नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, जिसका आजकल बहुत मार्केट बूम पर है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक इसमें मतलब पिछले 2-3-4 साल से काफ़ी अच्छी रुचि ले रही है। और जिस चीज़ की कीमत 200-250-300 रुपया हुआ करती थी, तो वो आज घट घट कर 60-70 रुपये तक पहुँच चुकी है। और भी कई निर्माता हैं जो लोकल स्तर पर बना रहे हैं, वो 100 रुपये के 3 इस तरह से दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है एलईडी बल्ब। मैं आज एलईडी बल्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, एलईडी बल्ब होता है, इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस होता है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है अपने आप में। निक होलोनिक, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1962 में, जब वो 33 साल के थे, तब उन्होंने इसका आविष्कार किया था। भारत में काफ़ी देर से आया, लेकिन भारत में ये आया, अभी आपको खूब याद होगा शायद पिछले 8-10 साल पहले जब ये आया था, तो 400 500 600 700 800 रुपये का एक बल्ब मिला करता था। आज ये घट घट के इतने सस्ते हो गए हैं कि आप मतलब बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। इनसे लाइट की बचत होती है, ये 5 वाट, 7 वाट, 3 वाट, 2 वाट, 1 वाट, 11 वाट, 15 वाट, 20 वाट, इस तरह के होते हैं। लेकिन इनका अगर 10 वाट का भी कोई सामान होता है, तो वो इतनी रोशनी करता है जितना कि कम से कम 200-300 वाट का वैसा साधारण बल्ब नहीं कर सकता था, या CFL भी नहीं कर सकती थी। CFL से भी ज़्यादा रोशनी होती है और लाइट भी कम खपत करते हैं, सबसे अच्छी बात ये। दोस्तों, इसका एक बड़ा प्लांट लगाने के लिए आपको कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया चाहिए, बड़ा प्लांट लगाने के लिए जिसमें आप सब कुछ असेंबल करेंगे। लेकिन मैं चूंकि सारे वीडियोस लाता हूँ उनके लिए जो मीडियम स्तर से शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए लेके आता हूँ सारे वीडियो। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर शुरू करना है ये काम, तो आप इसे बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। और आसानी से क्या शुरू कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बजाय आप असेंबली यूनिट लगाएं। असेंबली यूनिट का मतलब होता है कि इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो जो होता है, ये चाहे आप देखें, ये एक बल्ब होता है, एक यूनिट होती है, इसके अंदर एक छोटा सा चौकोर सा वो उसे नाम तो नहीं पता मुझे, भूल गया क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें, चार तीन या चार चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग तैयार मिलती हैं, और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तैयार करके देते हैं, बना कर देते हैं। आप यहाँ से मंगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा और पैसा हो जाए तो आप डायरेक्ट इसको चाइना से मंगा सकते हैं। तो इसमें अच्छा मुनाफा है, और आराम से अगर आप सस्ते से सस्ता भी बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी का सस्ते सस्ता बेचेंगे, तो जो मार्केट में सरकार दे रही है 70-75-80 रुपये का दे रही है, उसकी लागत हार्डली 15 रुपये आती है। ठीक है, तो 15 रुपये लागत आती है, अब आप अपने आप समझ सकते हैं 15 रुपये लागत आ रही है आपकी, तो आप कितने में बना सक कितना में बेच सकते हैं, ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। आपने अगर 50 रुपये में बेचा तो 35 रुपये मिलेंगे, 40 में बेचा तो 25 रुपये मिलेंगे, डबल बेचा 30 रुपये में, तब भी आपको 15 रुपये मिल रहे हैं। तो ये अच्छा उपाय है, और इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ खास चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा मशीनरी की भी आवश्यकता नहीं है आपको। आपको मात्र क्या चाहिए, सोल्डर आयरन चाहिए, फ्लक्स चाहिए, डिजिटल मीटर चाहिए, टेस्टर चाहिए, और एक दो चीज़ें और चाहिए छोटी मोटी। ये सारा सामान हार्डली 10-15 हज़ार रुपये में आ जाता है, बस दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप असेंबली यूनिट लगा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो 30-35 हज़ार का, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार का, जितने का आप चाहें तो माल ले सकते हैं, और उसको असेंबल करके बना सकते हैं। अब इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग मिलती है। और भी वैसे प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ पर इसके बारे में जानने को मिल जाएगा। नहीं, सबसे अच्छा माध्यम है जिसको, जहाँ पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बनाना सिखा रहे हैं, आप उसको बना सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आपको केवल सोल्डरिंग आयरन से उसको जोड़ना है, फिट करना है, और ऊपर से कस देना है, बस हो गया तैयार। तो मतलब इतना आसान काम है, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन 100% है, 100%। 15 रुपये का बेचकर अगर आपने 30 रुपये का बेच लिया बनाकर, तो 100% मार्जिन हो गया ना।
बल्कि 200-300% तक मार्जिन है। और आजकल इसका छेद फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर दुकान वाले लगाते हैं। इसको बेचने का तरीका क्या है, आप बेचेंगे कैसे, आप इसको कैसे बेचें? अगर आप छोटी सी असेंबली यूनिट लगाइए, आप मतलब एक दो लड़के रख दें डोर टू डोर सर्विस के लिए, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वालिटी अच्छी लगाएं आप, गारंटी भी दें। आपने देखिए आपने कितना बनाया, आपने 15 रुपये की लागत का सपोज करिए 55 रुपये में 60 रुपये में बेचा, तो आपको 400% मार्जिन हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कस्टमर को अगर आप बेचते हैं तो 60 रुपीज़ में बेचा आपने, तो 400% मार्जिन हो गया। आप उनको गारंटी दें 1 साल की या 6 महीने की, जैसा भी होता है आप गारंटी दें। गारंटी पीरियड के बाद में अगर वो सही ख़राब हो जाता है तो कस्टमर आपके पास आता है कि साहब ये ख़राब हो गया, तो उसकी एक छोटी सी प्लेट होती है, केवल वही चेंज करनी पड़ती है। या कई बार ऐसा होता है आपके टाँके वाँके इसके खुल जाते हैं, कितना वो प्लेट कितने की आती है, 1-2 रुपये की प्लेट, 3 रुपये की प्लेट पड़ती है आपको खुलते हुए, तो आप उसको चेंज करके या तो तुरंत नया दे दें और या फिर उसी में करेक्शन करके 1 दिन बाद दे दें उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। आपने ऑलरेडी 400% का मार्जिन ले लिया ना। आप डोर टू डोर सेल करने के लड़के लड़कियाँ लगाएं इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। उसके बाद आप जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ बिल्डर्स से मिलें, शोरूम है शोरूम से मिले जाके, तो इस तरह से अगर आप प्रमोशन करेंगे तो देखिए कुछ समय में आप बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आप आगे चल के चाहें तो फिर फुल यूनिट डाल सकते हैं, जब आपके पास पैसा हो जाता है तो पूरी बड़ी यूनिट डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे अच्छे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट्स में बताइए कि आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब आपका प्यार अच्छा मिल रहा है, हर रोज़ काफ़ी अच्छे सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, बस थोड़ा सा और प्रगति चाहिए, थोड़ा सा और सपोर्ट करिए मुझे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। और अधिक कोई जानकारी चाहिए या किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।